हे गाइस व्हाट्सअप। तो आज हम लोग बात करेंगे ऑस्टियो मलेशिया के बारे में। तो ऑस्टियो मलेशिया बेसिकली कहाँ दिखता है? ऑस्टियो मतलब बोन हड्डी, मलेशिया मतलब वीकनिंग मतलब पतली होना, ठीक है। हड्डियों का पतला होना मतलब ऑस्टियो मलेशिया। तो बेसिकली क्या होगा, विटामिन डी और कैल्शियम से ही हड्डी मजबूत होती है अपनी, तो वही कम हो गया तो क्या होगा, ऑस्टियो मलेशिया हो जाएगा। यंग फीमेल्स में कॉमनली दिखता है। फीचर्स क्या है, मल्टीपल जॉइंट पेन, मल्टीपल बोन पेन, मतलब ये हड्डी अब गलेगी तो ऑब्वियसली बोन पेन करेगी, पॉलीआर्थ्राल्जिया, ठीक है, मल्टीपल जॉइंट पे बोन जॉइंट पेन होगा, प्रॉक्सिमल मायोपैथी, प्रॉक्सिमली मायोपैथी होगी, मसल के वीकनिंग दिखेगी तुम्हें, ठीक है ना। तो मल्टीपल बोन पेन, पॉलीआर्थ्राल्जिया और मायोपैथी दिख सकती है। डिफॉर्मिटीज एक्सरे पे कैसी दिखेगी, एक मिक्स मैन्स फ्रैक्चर दिख सकता है, लूजर्स जोन या सूडो फ्रैक्चर, मिक्स मैन्स फ्रैक्चर, लूजर्स जोन या सूडो फ्रैक्चर दिख सकता है। तो मिक्स मैन्स फ्रैक्चर बेसिकली क्या है, ट्रांसवर्स बैंड ऑफ रेयर फ्रैक्शन परपेंडिकुलर टू लॉन्ग एक्सेस ऑफ बोन। अभी ये मान ले कि जैसे कि ये तुम्हारा बोन है, इसके लॉन्ग एक्सिस में ट्रांसवर्स बैंड्स ऑफ रेयर फ्रैक्शन दिखेंगे तुम्हें, ठीक है ना, परपेंडिकुलर टू लॉन्ग परपेंडिकुलर मतलब इसके परपेंडिकुलर में, ठीक है ना, लॉन्ग एक्सिस है ये, इसके परपेंडिकुलर में तुम्हें कैसे दिखेंगे, ट्रांसवर्स बैंड्स ऑफ रेयर फ्रैक्शन दिखेंगे, ठीक है ना। मोस्ट कॉमन साइट क्या है, मीडियल एस्पेक्ट ऑफ नेक ऑफ फीमर, ठीक है ना। मोस्ट कॉमन साइट क्या है इसका, मीडियल एस्पेक्ट ऑफ नेक ऑफ फीमर। तो ये मान ले कि ये नेक ऑफ फीमर है, मीडियल एस्पेक्ट में यहाँ कहीं हमें मोस्ट कॉमन साइट है यहाँ पे इसका, ठीक है ना, ऑस्टियोमलेशिया का। कैन ऑकर इन क्लेविकल, रिब्स, स्कैपुला, प्यूबिक रैमस, क्लेविकल पे, रिब्स में, स्कैपुला में, प्यूबिक रैमस पे, सब हो सकता है। स्ट्रॉस रेजिमेन क्या है, 3 लाख to 6 लाख डीप आईएम और ओरल स्टैट और ओवर 1 to 5 days और डेली 2K 5K इंटरनेशनल यूनिट फॉर विटामिन 4 to 6 weeks और वीकली 50 to 60K इंटरनेशनल यूनिट फॉर 8 to 12 weeks हमले देना है, ठीक है ना, विटामिन के, विटामिन डी, ठीक है ना, विटामिन डी का स्ट्रॉस रेजिमेन यही होता है कि 3 to 6 lakh का डीप आईएम और ओरल हमें देना है, ठीक है, ओरल स्टैट और डेली। देखो एक ही चीज़ याद रखो कि ठीक है ना, ये सब पीजीज के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फालतू की चीज़ें ना हमें पढ़नी है ना हमें याद करनी है, फालतू हमें नहीं जानना है, ठीक है, इतना हमें नहीं जानना, काम की चीज़ जाननी है हमें। 3 to 6 lakh हमने क्या करना है, डीप आईएम और ओरल देना है, स्टैट और ओवर 1 to 5 days, ठीक है, स्टैट दे दो या ओरल 1 to 5 days के लिए दे दो, ठीक है, 3 to 6 lakh डीप आईएम और ओरल, ठीक, डीप इंट्रामस्कुलर दे दो या ओरल दे दो, ठीक है ना। और इसके अलावा क्या कर सकते हो तुम, नॉर्मल रेंज ऑफ विटामिन डी जो होता है तुम्हारा 20 to 40 nanogram पर डेसीलीटर होता है। तो ट्यूमर एसोसिएटेड विद ऑस्टियोमलेशिया, कोई कोई ट्यूमर एसोसिएटेड होता है ऑस्टियोमलेशिया की, जैसे कि फाइब्रोसार्कोमा हो गया, ऑस्टियोब्लास्टोमा हो गया, ऑस्टियोसार्कोमा हो गया, नॉन ऑसिफाइंग फाइब्रोमा हो गया, नॉन ऑसिफाइंग फाइब्रोमा हो सकता है एसोसिएटेड इससे, ऑस्टियोसार्कोमा हो सकता है, फाइब्रोसार्कोमा, ऑस्टियोब्लास्टोमा, ये सब चीज़ें एसोसिएट हो सकती है, फाइब्रोसार्कोमा, ऑस्टियोब्लास्टोमा, ठीक है ना, नॉन ऑसिफाइंग फाइब्रोसार्कोमा, नॉन ऑसिफाइंग फाइब्रोमा और क्या, ऑस्टियोसार्कोमा, ठीक है ना। तो ये बात रही तुम्हारी ऑस्टियोमलेशिया के बारे में, उम्मीद है तुम्हें समझ में आओगे। मिलते तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।